बॉलीवुड गॉसिप शो में तुम्हारा स्वागत है। क्या एक गर्मा गर्म खबर लाया हूँ बिग बॉस के घर से। क्या हुआ है कि अरमान को बिग बॉस के घर से जो है पुलिस वालों ने उठा लिया। इसके पीछे जो पूरी कहानी है वो कहानी जुड़ी है सोफिया हयात जो पाकिस्तानी मॉडल है, वो भी गंदे गंदे फोटो शूट करवाए थे उसने पीछे। मगर अभी हम गंदे गंदे फोटो शूट के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उसने क्या कर दिया। हाल ही में सोफिया हयात को बिग बॉस के घर से एविक्ट कर दिया था और वो बाहर आकर के बोली भी थी कि अरमान ने उसके साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। मालूम नहीं भाई उस अरमान ने क्या क्या उसके साथ कर दिया। अभी क्या होता है कि वो पुलिस स्टेशन जाती है, वो भी सांता क्रूज, और वहां जाकर के वो कंप्लेंट लिखवा देती है लंबी चौड़ी अरमान के खिलाफ। कानून के हिसाब से बिग बॉस जो चल रहा है वो लोनावला में चल रहा है और उसको वहां से अगर गिरफ्तार करना है तो इस केस को लोनावला पुलिस स्टेशन में जाना जरूरी था, तो केस को ट्रांसफर कर दिया लोनावला पुलिस स्टेशन में। लोनावला पुलिस वालों ने क्या किया कि बिग बॉस के घर गए और अरमान को वहां से गिरफ्तार किया और अपने पुलिस स्टेशन ले जा करके 2 घंटे तक उससे खूब पूछताछ की और डॉक्टर ने चेकअप भी किया उसका, क्या हुआ था एग्जैक्टली, कैसे मारा था उसको। अभी उसको कितना मारा था कितना नहीं मारा था वो तो हमें मालूम नहीं है, बट सोफिया हयात ने जो बोला है कि उसको जो है 2-3 रखा था, उसने भी 2-3 रखा था कि नहीं रखा था वो भी मालूम नहीं है अपन को, इसको मालूम करना पड़ेगा। सोफिया का कहना भी है कि जो टीवी पे दिखाया सिर्फ उतना ही नहीं है, बहुत कुछ हुआ था उस दिन बिग बॉस के घर में उनके खिलाफ, मतलब अरमान ने कुछ ज्यादा ही उसके साथ किया था। अभी क्या है कि पुलिस वालों ने 2-3 घंटे की पूछताछ करके छोड़ दिया। अभी क्या है कि केस चलेगा। अभी मेरे को लगता है कि अरमान को जो है अपनी बॉडी वॉडी बना लेनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के चक्कर काटते काटते तो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर की भी बॉडी हल्की हो जाती है। अब मगर सवाल ये भी बनता है कि क्या सोफिया हयात इस केस को वापस ले लेगी कि नहीं लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। आज की न्यूज में जो है 2 सवाल बन जाते हैं जो मैंने आपको बोले हैं। आप मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपका क्या जवाब होगा अगर ऐसा होता है तो, मेरे को भी पता चलेगा। तब तक मैं भी जवाब ढूंढने का कोशिश करता हूँ। मेरे को मालूम है तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा एकदम नई नई न्यूज लेके आता है हॉट स्पाइसी, तो अब बीच इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट मारो कमेंट सेक्शन में अरमान और सोफिया हयात के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो भूलने का इच्छा नहीं है। और मैं जाता है अभी एक नया न्यूज लाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।